हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे द नॉर्थमैन। यह कहानी कई साल पुरानी है, यानी कि 895 एडी की, जहां पर एक राजा को दिखाया जाता है जो अपने साथ कई गुलामों को लेकर आया होता है। दरअसल वह एक जंग जीतकर वापस लौटा, इसलिए उसकी प्रजा उसका स्वागत करती है। राजा अपनी पत्नी और अपने बेटे एमलेट से मिलता है। एमलेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। राजा जो जंग में जो खजाना जीत कर लाया होता है उसमें से एक लॉकेट एमलेट को देता है। यहाँ पर हमें राजा के भाई को भी दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंड है। फ्रेंड बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर होता है और अपने भाई का हर एक जंग में साथ दिया था और वह बहुत बहादुरी से लड़ा, इसलिए हर एक जंग की जीत में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा होता है। रात को जब राजा अपनी बीवी के साथ होता है, राजा कहता है कि इस जंग में बहुत जख्मी हो चुका हूँ और मैं अब तय कर लिया है कि मैं घोषणा करके अपने बेटे को यानी कि एमलेट को राजा बनाना चाहता हूँ। पर उसकी पत्नी कहती है तुम ऐसा मत करना क्योंकि वह बहुत छोटा और कमजोर भी है, और अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने छोटे भाई को मारना पड़ेगा क्योंकि उसने तुम्हारा हर जन्म में साथ दिया है और उसे लगता है कि तुम्हारे बाद वही राजा बनेगा। अगर तुमने अभी तुम्हारे बेटे को राजा बना दिया तो हो सकता है कि वह उसे मार दे। और राजा को पता है कि उसकी पत्नी कह रही है वह सही है, इसीलिए वह अपने बेटे को लेकर अपने पुश्तैनी मंदिर को जाता है जो बहुत दूर होता है, जहां पर बहुत छोटे छोटे संकरे रास्ते होते हैं। राजा हैमलेट को बताते हैं कि कभी मेरे पिता भी मुझे यहां पर लाए थे और इसके बाद उस जगह पर सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। यहां पर एक प्रिस्ट पहले से होता है और प्रिस्ट दोनों को कहते हैं कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डॉग हो या उर्फ। इसके बाद राजा उर्फ की तरह बिहेव करता है और उनका बेटा हैमलेट उनकी नकल करता है। राजा बहुत जोर से दहाड़ते हैं लेकिन एमलेट की दिल और आवाज उतनी जोर नहीं होती, इसीलिए वो इतनी तेज से आवाज नहीं निकाल पाता। और राजा जानते हैं कि एमलेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। और जब और रिचुअल्स हो रहे होते हैं तो एमलेट को अजीब अजीब सी चीजें दिखती है। अब रिचुअल्स खत्म होने के बाद दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी राजा का भाई फ्रेंड आ जाता है जो इन पर हमला करता है। और तभी राजा अपने बेटे को भाग जाने के लिए कहता है, इसीलिए अमलत भाग जाता है और राजा को तीर लग जाता है और मौत हो जाती है। अब जब अमलत भाग रहा होता है वहां पर फ्रेंड का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। अमलत उसे जख्मी करता है और वहां से भाग जाता है, अपने राज्य वापस आ जाता है जहां पर वह देखता है कि फैंग ने पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लिया है और उसकी मॉम को बंदी बना लिया है। अब यहां पर अमलत जिस सिपाही को जख्मी किया था वो वहां पर फैंग के पास आता है, उससे झूठ कहता है कि अमलत समुंदर में डूब के मर गया। और वहीं पर अमलत को दिखाया जाता है कि समुद्र में एक नाव के जरिए इस राज्य को छोड़कर चला जा रहा होता है और वह वहां पर तय करता है कि वह अपनी मॉम को एक दिन जरूर आजाद करवाएगा, साथ ही अपने पिता का बदला अपने अंकल फ्रेंड से लेगा। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और यहां पर हमें अमलत को दिखाया जाता है जो कि वह पहले जैसा अब कमजोर नहीं है बल्कि वह अब एक वॉरियर और एक योद्धा है और वह कुछ लोगों का सरदार भी है और वह छोटे मोटे कबीलों पर हमला करता है, वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाता है जो कि वह बाद में उन्हें बेच देता है। अब अमलत उसके साथियों के साथ हमला करके वहाँ के कई लोगों पर हमला करके बहुत सारे लोगों को बंदी बना लेता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसके अंदर एक जादुई शक्तियाँ होती है। उसकी दोनों आंखें फूटी हुई रहती है और वह अमलत को पहचान लेती है, उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल के बेटे यानी कि फ्रेंड के बेटे ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी है। साथ ही अमलत को बताती है उसके भविष्य और पास्ट की बहुत सारी बातें बताती है। और अमलत को पता चलता है कि जिन लोगों को इस कबीले में बंदी बनाकर रखा हुआ है कुछ गुलामों को उसके चाचा फैन के कबीले में भेज रहे हैं, इसीलिए अमलत चुपके से उस गुलाम वाली पोर्ट में बैठ जाता है। वहां पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम उल्गा। और जब समुद्र के रास्ते वह आगे बढ़ रहे होते हैं वहां पर एक तूफान आ जाता है। उल्गा पीछे गिरने वाली रहती है कि अमलत उसे बचा लेता है। अब किसी तरह से पानी से बच के एक आइलैंड पर जा पहुंचते हैं। यह वायलैंड है जिस पर फैन का कब्जा रहता है जो कि अमलत का अंकल है, और सब गुलामों को पकड़कर फैन के पास ले जा रहे होते हैं। तभी ओल्गा रास्ते में अमलत को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए आए हो। यहाँ पर अमलत ओल्गा को सारा सच बता देता है। यहाँ वह अपने पिता का बदला लेने आया हूँ, वह मेरा अंकल फ्रेंड है जो मेरे पिता को मारा हुआ है, जो कि वह अब यहाँ का राजा बन चुका है। अब इन सब गुलामों को फ्रेंड के सामने पेश किया जाता है और जब अमलत फ्रेंड को देखता है उसका दिल गुस्से और दर्द से भरता है। फ्रेंड जब अमलत को देखता है तो पहचान नहीं पाता क्योंकि अमलत बड़ा हो चुका है और साथियों से यह बता चुके हैं कि अमलत पानी में डूब कर मर गया होता है। जब फ्रेंड अमलत को देखता है तो उसके पास आता है क्योंकि उसको वैसे ही हटे कट्टे गुलाम की जरूरत होती है।
ताकि हो उनसे बड़ा और भारी काम कराए। अब यहाँ पर अमलत को बहुत ज्यादा मजदूरी कराते हैं दिन रात, और एक दिन अमलत उसकी माँ को देख लेता है यानी कि रानी को, तब उसे बहुत दुख होता है और वह अपनी मॉम को किसी भी कीमत पर वहाँ से आजाद करवाना चाहता है। और वह जब रात को अकेला होता है तभी उसे एक भेड़िया दिखता है। वह भेड़िया से इशारे से पीछे आने के लिए कहता है, अमलत उसका पीछा करना शुरू कर देता है और भेड़िया उसे एक गुफा तक ले जाता है। और वह जब अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर एक पृष्ठ है जो कि कोई रिचुअल्स कर रहा होता है। वह अमलत से कहता है कि तुम कौन हो, मुझे पता है तुम राजा के बेटे हो, यहाँ पर अपने पिता का बदला लेने आए हो। अमलत कहता है कि हाँ, मैं अपने पिता का बदला लेने आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं बदला कैसे लूंगा, मुझे बताए कि मैं उससे अपना बदला कैसे लूं। पृष्ठ उसे एक तलवार के बारे में बताता है, वो तलवार बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें उस तलवार को हासिल करना होगा। उस जगह का रास्ता पता देता है जहाँ पर वह तलवार है, और अमलत उस तलवार को हासिल करने के लिए निकल जाता है। वो एक अंडरग्राउंड जगह पे जाता है जहाँ पर वह देखता है कि एक पुरानी राजा की मम्मी है जिसके हाथ में तलवार है, और तभी अमलत उस मम्मी के पास जाता है और तभी वह मम्मी जिंदा हो जाती है और हमला करता है। अमलत भी मम्मी का सामना करता है, उस पर हमला करता है, और मम्मी जैसे ही रोशनी में आती है तो अमलत उस पर हमला कर देता है। दरअसल वह लड़ाई अमलत की एक सोच होती है, वह अपने ही सोच से लड़ रहा होता है, और दरअसल मम्मी उसकी जगह पर ही बैठी रहती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह एक जादुई जगह है और किसी जाल में नहीं फंसना है। वहां से जल्दी से तलवार लेकर बाहर आ जाता है और अमलत वहां से तलवार छुपा देता है एक जगह पर। इसके बाद वह ओल्गा के पास जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही फ्रेंड को मारकर सबको आजाद करूंगा। दरअसल फ्रेंड और उसके आदमी ओल्गा को परेशान कर रहे होते हैं। ओल्गा फ्रेंड के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि अमलत को और बहुत सारे लोगों को यहाँ से कहीं दूर ले जा रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत खतरनाक खेल हो रहा होता है और उस गेम में सबको खेलना होगा। उस खेल में किसी की भी जान जा सकती है। वह खेल बहुत ही खतरनाक होता है और उस खेल में एक वक्त ऐसा भी आता है कि अमलत की टीम हार रही होती है, और वह देखकर फ्रेंड के बेटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वह उसे देखकर बीच में आ जाता है। और एक पल ऐसा भी आता है दूसरी टीम का खिलाड़ी फ्रेंड के बेटे को मारने वाला ही रहता है। दूर से फ्रेंड और उसकी पत्नी देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, पर इससे पहले कि वह फ्रेंड के बेटे को मार दे, अमलत आकर उसे बचाता है और साथ ही गेम भी जीत जाता है, और साथ ही सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब अमलत की वजह से फ्रेंड के बेटे की जान बची होती है, इसलिए वह अमलत को ओल्गा के साथ रात को टाइम बितानी देते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि वह ओल्गा से प्यार करता है। और अगली सुबह फ्रेंड के लिए बहुत बुरी होती है क्योंकि फ्रेंड के लोगों को किसी ने मार दिया होता है। फ्रेंड को लगता है कि ये गुलामों का काम है, और तभी एक भविष्यकर्ता आती है और वह कहती है कि यह किसी गुलाम का काम नहीं है, यह किसी आत्मा का काम है। अगर तुम चाहते हो तो आत्मा को ऐसा काम ना करे तो तुम्हें आगे से किसी ने किसी की बलि देनी होगी। हालांकि फ्रेंड ऐसा करना भी चाहता था, तो अगली सुबह देखता है कि वही जगह फ्रेंड का ही आदमी बलि चढ़ जाता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। रात को अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम्हें चारों तरफ निगरानी करनी होगी। रात को जब उसके सिपाही नजर रख रहे होते हैं तो तभी उसके सिपाही अपने आप को खुद ही मार डालते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर अमलत उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम होती है। वो उसकी मॉम को कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं यहाँ पर अपने पिता का बदला लेने आया हूँ, और मैं कल शाम को फ्रेंड को मार दूंगा और आपको आजाद करूंगा और आपको यहाँ से दूर ले जाऊंगा। और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा पिता मुझे एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, उनकी नजरों में मेरी कोई भी अहमियत नहीं थी, वह सिर्फ पैसे को और अपनी रियासत को पढ़ाने के लिए वक्त दिया करते थे, इसलिए मैं फ्रेंड को अपने कब्जे में किया और तुम्हारे पिता को मैंने मरवा दिया, क्योंकि आजादी से मैं खुलकर जीना चाहती थी और सबको कंट्रोल कर सकूं। और तुम अब फ्रेंड को मारने आए हो तो तुम उसे मार सकते हो, इसके बाद मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और हम पूरी प्रजा पर राज करेंगे। ये सुनकर अमलत हैरान हो जाता है और वह फ्रेंड के बेटे को मारकर उसका दिल निकाल देता है, और वहां से आ जाता है ओल्गा के पास, और वह कहता है कि अब हमें यहां से जाना होगा, हमारे लिए इस जगह पर कुछ नहीं है। ओल्गा कहती है कि तुम्हारे पिता का तुम्हें पतला लेना होगा। और अगली सुबह हमें यहां पर फैन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को मरा हुआ देखता है, और उसका दिल किसी ने निकाल लिया होता है, और उसका शक पूरा अमलत पर है, और वह ओल्गा को पकड़ता है और पूछता है कि अमलत कहाँ है, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। इससे पहले वह ओल्गा को मार देता, अमलत वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था और उसका दिल मेरे पास है। इसके बाद फ्रेंड के आदमी उस पर हमला कर देते हैं
लेकिन अमलत बहुत ताकतवर है और वह सब का मुकाबला डटकर करता है। इसी बीच ओल्गा को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वह वहां से भाग जाती है। फैन के सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अमलत को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद अमलत को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। हालांकि फैन उसे मारना चाहता है, लेकिन वह पहले अपने बेटे का फ्यूनरल करके उसे मारूंगा बोलता है। और वहां पर अमलत के पास बहुत सारे कौवे आते हैं उसकी मदद करने। दरअसल वह एक आत्मा है उसके पिता की। और अमलत वहां से भाग जाता है और फैन वहां पर आता है, अमलत वहां नहीं है। देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और सारे सिपाहियों को कहता है कि अमलत को किसी भी हाल में ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। वही अमलत को दिखाया जाता है जो ओल्गा के पास आया रहता है, और वह दोनों के दोनों उस जगह से बहुत दूर है। और ओल्गा अमलत दोनों ने शादी कर ली है। ओल्गा अमलत से कहती है कि हम दोनों इस जगह से बहुत दूर चले जाएंगे, हम एक और नई दुनिया बनाएंगे, अमन और सुकून से रहेंगे। अमलत भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वह दोनों अपना सफर नाव से शुरुआत करते हैं और अमलत को पता चल जाता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है करके, यानी कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और उसको यह बात पता चलने के बाद वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अगर फ्रेंड को आज नहीं मारा तो कल वह हमारे बच्चों को मार डालेगा, इसलिए मुझे जाना होगा। और वह बोर्ड वाले को एक अंगूठी देता है और कहता है कि उसे अपने रिश्तेदारों के वहां पहुंचा देना। और वहां से निकल जाता है फ्रेंक को मारने, और वह फैक को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर वह एक एक को चुनकर मार देता है उस जादुई तलवार से, जो कि बहुत ही ताकतवर तलवार होती है। और वहां पर जाता है जहां की बहुत सारे गुलाम रहते हैं और उन्हें सबको आजाद करता है। और वह सबसे पहले फैक को मारना चाहता है, उसी बीच उसका सामना उसकी मॉम से होता है जो कि उस पर हमला कर देती है। और गलती से अमलत उसकी मॉम पर तलवार लग जाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और उसी बीच फैंग आता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। दरअसल अमलत की माँ की उसके साथ शादी हुई रहती है और फ्रेंड उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। और फ्रेंड उसकी पत्नी को उठाकर ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ज्वालामुखी के पास मिलूंगा, वहां पर आ जाना। अमलत ज्वालामुखी के पास जाता है तो वहां पर फ्रेंड होता है और उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। वह दोनों एक दूसरे पर हावी हुए रहते हैं। और वहां पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि दोनों की तलवार एक दूसरे को लग जाती है एक ही वक्त में, और वहीं पर दोनों की मौत हो जाती है। अमलत और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वह देखता है कि ओल्गा उसके दो जुड़वा बच्चे हुए रहते हैं और वह तसल्ली से मर जाता है। बनी रहे और एक नई कहानी के लिए तब तक लाइक और सब्सक्राइब करें।